आज मौसम भी बहुत रोया है, मेरे देश ने आखिरी स्वतंत्रता सेनानी को खोया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मैं बात कर रही हूं पलामू के स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय की, जिनका कल निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों की अंतिम कड़ी नीलकंठ सहाय ने महाशिवरात्रि की आराधना काल में गुरुवार को अपने आवास परिसर में करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 4-5 दिनों से बीमार थे। पलामू में सूचना एवं जनसंपर्क के उप निदेशक आनंद ने बताया कि उपायुक्त पलामू ने स्वर नीलकंठ सहाय को राजकीय सम्मान के लिए उपायुक्त शशि रंजन ने झारखंड कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। वहीं उनका अंतिम संस्कार आज नम्न आंखों से की गई। उनका परिवार मूलतः गया बिहार जिले के कदवा गांव के निवासी थे, परंतु 20वीं सदी की शुरुआत में उनके दादा दादी मदनी नगर में बस गए थे। आजादी के बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी के रांची ऑफिस में नौकरी लगी। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची समाहरणालय के सामने अंग्रेज सरकार के विरोध में जुलूस निकालने, नारा लगाने आदि के जुर्म में 7-8 विद्यार्थियों के साथ 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिए गए थे। 1.5 साल हजारीबाग के जेल में कैद रखे जाने के बाद वे रिहा हुए। इधर स्वर्गीय नीलकंठ सहाय के निधन की खबर के बाद शोक व्यक्त करने का तांता लग गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।